नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। मैं एक एनएसटी एलुमनाई हूँ और मुझे याद आता है कि जब हम एनएसटी में पढ़ा करते थे तो हमारे एक टीचर ने बड़ी अच्छी बात समझाई थी कि क्रिएटिविटी के नाम पर या इम्प्रोवाइजेशन के नाम पर जो तुम एक्टर्स कुछ भी करते हो, ये मत समझो कि जो ऑडियंस आपका प्ले देखने आती है वो गधे हैं। उनका अभिप्राय इससे था कि हम लोग बहुत सारी लिबर्टी लेना शुरू कर देते हैं कि अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ है, या मैंने ये सोचा, या मेरा अपना जो इंटेलेक्ट है, मेरा जो विजडम है, मेरा जो इंस्टिंक्ट है वो ये कह रहा है। मे बी सब कुछ कह रहा हो, लेकिन वो कितना उसके साथ जाता है और उससे ऑडियंस कितना रिलेट करते हैं। आदि पुरुष के बारे में नहीं चाहते हुए भी आज मुझे बात करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात कि किसी एक इंसान की गलती नहीं लगती, फिल्म में टीम वर्क होती है। क्या सभी ने, जब ये फिल्म की मेकिंग हो रही थी, प्रोसेस हो रहा था, तो क्या सभी इस बात से अनभिज्ञ थे कि रामायण क्या है और उसकी गरिमा क्या है? जिस तरह से सभी कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ हुआ है, सीता मुझे सीता नहीं दिखाई देती हैं, वो ठुमकेश्वरी दिखाई देती हैं। ऊपर से उनका जो कॉस्ट्यूम दिया गया है, राजा रवि वर्मा ने शकुंतला की पेंटिंग में शकुंतला का वो वस्त्र दिया है। आपके जो पूरी टीम थी वो क्या कर रही थी? किसी ने कॉस्ट्यूम पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने संवाद पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने किसी भी कैरेक्टर के गेटअप पे और उनके जो कैरेक्टर की जो पर्सनैलिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि इसमें सारे के सारे कैरेक्टर मिसफिट लग रहे हैं, सारे के सारे कैरेक्टर कुछ और लग रहे हैं लेकिन रामायण के पात्र तो नहीं लग रहे हैं।